नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने से होने वाली हानि उस वस्तु के 1250 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है, तो 12.5% पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि लाभ हानि के बराबर है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, दोनों के विक्रय मूल्य को हम जोड़ दें, 750 प्लस 1250। अब जोड़ते हैं, 0 5 और 5 10, 8 9 और 1 10 और 2 अपॉन क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, राइट। तो 2 से काटेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 1000 क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि 12.5% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हम जानते हैं हम बाई रेशियो मेथड की जो दिया है, यानी कि 1000 हमें दिया है, उससे हम क्या करेंगे, 1000 क्या है हमारा, क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी है। तो सीपी क्या होता है, 100%। और हमें क्या दिया है, 12.5% के लाभ पर, तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस पी, यानी कि 12 सीपी हमारा क्या होता है, 100% प्लस 12.5%, राइट। सीपी क्या है, 100%। अब इसमें हम जोड़ेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, 112.5%। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, तो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है कि जो दिया है उससे हमें क्या करना है, तुलना करना है, यानी कि भाग करना है। हमें क्रय मूल्य से हमने क्या कर दिया, क्रय मूल्य से हमने भाग कर दिया। पूछा हमसे क्या है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ से ये निकल आया, 112.5%। परसेंटेज से परसेंटेज का साइन जाएगा, पॉइंट हटा के हम जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, तो बचा क्या हमारे पास, 1125, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया हमारा, 1125 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।